सुबह के बजे हैं जी 9:30 और यहाँ मेरी हुई है जी सुबह। तो जब से तबीयत ठीक नहीं है तो तब से लेट उठना और रूटीन थोड़ा गड़बड़ा गया है मेरा। तो गुड मॉर्निंग जी। तो बस अभी मैं उठी हूँ, फ्रेश होंगी। तो यस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो इस वीडियो में जो मेरे साथ हुआ है वो ये हुआ है कि मेरी ट्रिप चेंज हो गई है, क्योंकि एक हाथ में लगी दूसरे में लग गई है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को थोड़ा सा फ्रेश कर लेती हूँ। यहाँ लगा रही हूँ रोज़ वाटर और मिक्स करूँगी इसमें पॉन्ड्स की क्रीम, तो इससे नेचुरल ग्लो निकल के आता है। आप लोग यूज़ करें, यूज़ करेंगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है अपनी बहन को। तो ये बेस्ट इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है। तो आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। बस मुझे तो यही मिल रहा है, चाय, फ़ैन, बिस्किट्स, दलिया, बस यही चीज़ें मिल रही है। बीमारों के लिए तो यही बच जाता है। तो फिर मैंने सोचा यार ऐवें बैठी हूँ, बैठे बैठे तो मेरे हाथ पांव भी यू नो दुखने लगे, तो मैंने कहा अपने ड्रॉइंग सेट कर लेती हूँ। आप लोग देखें कितना खलारा हो रहा है, मेरी बहनें इतना खलारा कर देती हैं ना, इतना खलारा कि मुझे देख के उलझन होने लगती है। ये समेटती भी नहीं है कि चीज़ों को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो अपनी जगह पे उठा के रखते हैं। आपको मेरे इतनी चीज़ें दिखेंगी लेकिन इनमें से कुछ ही चुनिंदा चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ और वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर मेरे सारे जो है चीज़ें हो रही हैं। पता है मेरा नारियल का तेल भी इसी में मैंने बदख्याली में रख दिया था, उस समय तेल हो गया तो मेरे और फिक्र हो गई थी कि ये तो बेकार हो जाएगा। मैं कर तो रही थी काम लेकिन मुझसे हो नहीं रहा था क्योंकि हाथ नहीं मुड़ पा रहा था, सिरिंज जो है वो दुख रही थी। लेकिन जब मैंने ये किया ना, इसके बाद मेरी जो है कैनोला हिल गया और फिर डॉक्टर ने दूसरे हाथ पे जो है लगाया। तो यस, अब देखें आप लोग सारा मेरा और हाइलाइटर की जो डिब्बी थी वो भी मेरी टूट गई है। तो डिब्बी पैलेट, हाइलाइटर पैलेट भी टूट गया है। तो बस यहाँ पे मैं सेट करने लगी। ब्रश का ये बॉक्स है सब इधर उधर फैला रखा है। अब मैंने सब इसको, ये तो मेरे से खुल भी नहीं रहा था, तो मैंने फिर दूसरे मोबाइल सेट करा, फिर जो है इसको खोला और यहाँ मैं अपने ब्रश को सेट कर रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अपनी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट हुई नहीं अच्छी लगती हैं कि आराम से जाओ उठाओ यूज़ करो और वहीं रख दो। आप किसी को, आप किसी के सामने अपने ड्रॉर्स खोलें भी तो मतलब इंसान ही कहे कि वाकई में यार सामान कितना ही है लेकिन जमा रखा है अच्छे से। तो ये मेरा थोड़ा छोटू मोटू सा कलेक्शन उसका है जो यूज़ टू होता रहता है, जैसे मार्केट या फिर ऐसे ही थोड़ा रैंडमली हम चले जाते हैं किसी के घर पर। बाकी ज्वेलरी जो है वो मेरी अलग रखी हुई है। तो यस, ये सब सामान मेरा इसमें लिपस्टिक, फाउंडेशन, क्रीम, पिंस, ये सब चीज़ें वो हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। और इससे जो और चीज़ें हैं जो ज़्यादा मतलब काफ़ी फंक्शंस या पार्टी वगैरह में यूज़ होती हैं वो अलग रखी हैं। तो इससे जो मेरी मिली हुई वो है ड्रो है उसमें और सामान रखे, क्योंकि इतना एरिया नहीं है तो उस वजह से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। वरना मैंने ये सोचा है कि अपनी अल्लाह ताला जो है हिम्मत दे और तौफीक दे और सबसे बड़ी बात के कामयाबी दे और आप लोगों का प्यार दे। तो मैं अपनी स्ट्रो को चेंज करूँगी। इसके सामने मैं एक आईना शीशा जो है लगाऊँगी। ये फाउंडेशन सबसे प्यारा लैक्मे स्टे का है, बहुत परफेक्ट फाउंडेशन है और इतना महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है, आप ले सकते हैं ईजीली। तो ये मेरी जी नेल पेंट का कलेक्शन तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत जो भी है, मुझे नेल पेंट बहुत ज़्यादा पसंद है यूज़ करना भी और उसका कलेक्शन भी। लेकिन अभी मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि जगह का इशू है, जगह मेरे पास बहुत कम है। तो इस वजह से जो ज़्यादा मुझे ज़रूरत होती है जिनकी तो वो मैं मंगा लेती हूँ। तो उसमें सारे शेड्स जो हैं वो बेस्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं। जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने उठाया था मेहंदी कलर में, वो मेरे बहुत दिल के करीब है। तो यस, और ये मैंने मंगाया था, ये बहुत अच्छा है, एक जो है ना स्पार्कर वाली है आइस पे लगाने की। मैंने इसको यूज़ भी किया है और इसका अच्छे से रिव्यू मैं आपको दूंगी और लगा के भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो यस, ये जो है हाइलाइटर है, पुराना हो गया है तो मेरा खैर। तो यह आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हैं। तो एक ये जो है ना, ये मेरा फाउंडेशन या क्रीम को मिक्स करके लगाने का है जो मैं कर लेती हूँ यूज़ जो है इस पर लगा करके। तो बहन ने मुझे ये गिफ्ट दिया था। तो माई ड्रो तो हुई है जी रेडी, ठीक है। और यहाँ मैं खाने लगी हूँ बीमारों वाली दाल, भूख लग रही थी और खाने का दिल तो ये था नहीं लेकिन खाना पड़ रहा था क्योंकि इलाज ही उससे होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपनी बहन को बहुत सारा सपोर्ट करना।